जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो CRPF BSF की जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके ऊपर है कि CRPF में लड़कियों की ड्यूटी कैसी है, लड़कों की ड्यूटी कैसी है, BSF में लड़कों की ड्यूटी और लड़कियों की ड्यूटी कैसी है। और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जैसे BSF में 12 घंटे की ड्यूटी आती है, कोई बोल रहा है सर BSF में 16 घंटे की ड्यूटी आती है, बॉर्डर पर ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है, या CRPF के बारे में भी काफ़ी ऐसी अफवाहें होती है जो शायद आपको हकीकत नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो वो भी बाहर बोलते रहते हैं कि सर ऐसी ड्यूटियाँ हैं क्या, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर, इतनी खतरनाक ड्यूटी है क्या। तो उसके बारे में आज आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, सभी की ड्यूटी के बारे में बात करने वाला हूँ। इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है, किस प्रकार से इनका जॉब प्रोफाइल है, कैसे आपको आगे जाके ट्रेनिंग का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप ड्यूटी करोगे। साथ ही जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए बता दूंगी। जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, उस पर मैं नई नई वैकेंसी की अपडेट लाता रहता हूँ, किस प्रकार से उनकी तैयारी करें इसके बारे में उधर मोटिवेट भी करता रहता हूँ। साथ ही मैथ और रीजनिंग की क्लास निरंतर चला रहा हूँ और कुछ ही दिनों में वहाँ पर लाइव मैथ रीजनिंग के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कि CRPF और BSF इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, इनमें कितनी सिमिलरिटी है, क्या इनकी जो आपने जो सुनी इनके बारे में बातें उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। क्योंकि बार बार मुझे पता है कि आपको लोग, जैसे किसी का BSF में सिलेक्शन हो गया या किसी का CRPF में सिलेक्शन हो गया, जिसका CRPF में सिलेक्शन हुआ ना उसको लड़के बोल रहे हैं BSF बढ़िया, जिसका BSF में हुआ उसको बोल रहे हैं CRPF बढ़िया। अब इनमें से कौन बढ़िया कौन सही है, इसके बारे में आप जब वीडियो एंड तक देख लोगे आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि कौन सी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए फोर्स, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हो तो, और जो लगने वाले हैं उनके लिए कैसी ये फोर्स होने वाली। दोस्तों तो अब बात करते हैं सबसे पहले BSF से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों BSF के जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि BSF की ड्यूटीज़ क्या होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बॉर्डर की निगरानी करता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ITBP भी बॉर्डर की निगरानी करता है, SSB भी बॉर्डर की निगरानी करता है, और असम राइफल भी बॉर्डर की निगरानी करता है। एक CRPF को छोड़कर बाकी सभी फोर्स, और सॉरी CISF और CRPF को छोड़कर बाकी जो सभी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, वो सभी बॉर्डर की निगरानी करते हैं। तो इसका ही नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं, एशिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर जो सीमा रेखा उसकी मतलब पहरेदारी करने वाली फोर्स है, यानी सबसे लार्जेस्ट फोर्स, यानी आपको पता है 2.5 लाख के समथिंग इसकी संख्या है, तो ये लार्जेस्ट फोर्स है। इसीलिए इसका जो शुरू में जो नाम सबसे पहले इसी को गठन हुआ था BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में। असम का हुआ था पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में, लेकिन वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में नहीं हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में सबसे पहले BSF का गठन हुआ था, इसीलिए इसका नाम BSF है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब अब ये नहीं कि केवल बॉर्डर पर ही ड्यूटी करती, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ड्यूटीज़ की बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर की तो सीमारेखा की जो ड्यूटी करता है वो तो करता ही करता है, साथ ही उसी इलाके में जुड़े और नज़दीकी जैसे गांव हो गए या इलाके हो गए उनमें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी करता है। वहाँ पर आपदा प्रबंधक के रूप में भी काम करता है, भीड़ नियंत्रण के रूप में भी काम करता है, और NDRF NSG या SPG इसमें भी इसके कमांडो जाते हैं, क्रोकोडाइल इसके जो कमांडो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं रात के जुगस्त लगाने में या ऑपरेशन ड्यूटीज़ करते हैं। दोस्तों वहीं पे जो उन्हीं इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स के रूप में भी BSF काम करती है। दोस्तों तो इसका आपको अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आपका नंबर आया तो दोस्तों अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कि आपको 12 घंटे या 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, बॉर्डर पर ऐसे बंदूक लेकर खड़ा रहना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ड्यूटी एक लिमिटेशन से आती है, कोई अनलिमिटेड ड्यूटी नहीं आती है अब कि भाई बस लगा लो बंदूक और आप खड़े रहो, ऐसा नहीं है। दोस्तों 12 घंटे ड्यूटी आती है, 16 घंटे ड्यूटी आती है। आपको मैं बता दूं, अगर आप फोर्स ज्वाइन करने वाले हो तो ड्यूटी को ना देखें दोस्तों, क्योंकि फोर्स में कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन आपको बहुत ही कम ड्यूटी आएगी, किसी बार आपको लोड पड़ता है कि 10 दिन बहुत ज़्यादा ड्यूटी आती है, तो ये तो ड्यूटी का चलता रहता है। ड्यूटी से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको ट्रेनिंग इसी चीज़ की दी जाएगी कि आप ड्यूटी कैसे करोगे। 12 घंटे, 16 घंटा, 20 घंटा, ऐसे कोई घंटों में गिनती नहीं होती है ड्यूटीज़ की, ठीक है। एक लिमिटेशन से ड्यूटी आती है, नॉर्मली 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं आती है, फिर भी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं 8 घंटे ही ड्यूटी आती, चाहे आप CRPF में चले जाओ, ITBP, BSF, CISF, असम राइफल, किसी में अगर आप ऑपरेशनल ड्यूटी जाते हो तो आपकी 3 दिन 4 दिन की भी ड्यूटी आती है, लगातार 5 दिन 10 दिन की भी आती है। लेकिन उसको देख के अगर आपको गलत गाइड कर रहा है कि BSF में जाना अच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आज के टाइम में BSF फोर्स सबसे बेस्ट फोर्स है, कोई कमी नहीं है कि इस फोर्स में, शानदार फोर्स है। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर की आप जैसे बॉर्डर ड्यूटीज़ होती हैं, इलेक्शन ड्यूटी भी BSF करती है, भीड़ नियंत्रण में भी ड्यूटी करती है, आपदा प्रबंधक के रूप में NDRF में भी ड्यूटी करती है, कमांडो जैसे NSG कमांडो बनते हैं, SPG कमांडो बनते हैं, क्रोकोडाइल कमांडो बनते हैं, जो आपने बाघा बॉर्डर पर देखे होंगे जो मार्च वो परेड करते हैं, तो इस प्रकार से। और पूरे देश में इसकी है, जैसे BSF केवल ये नहीं कि भारत पाकिस्तान से जुड़े, जैसे आप देख लेना साउथ में भी BSF है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, पूरे देश में फैली हुई है,
जम्मू कश्मीर में भी बीएसएफ ड्यूटी करती है, कश्मीर में भी करती है, मतलब हर एक स्टेट में, राजस्थान उनमें तो है ही, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है ही, आपको पता है राजस्थान जम्मू कश्मीर जम्मू इधर तो, लेकिन मतलब हर एक स्टेट में भी इसकी ड्यूटी होती है। इसके ट्रेनिंग सेंटर बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि आपको जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान का ही है, बहुत जगह इसके ट्रेनिंग सेंटर है, बड़े बड़े जैसे मैंने बताया कि श्रीनगर में भी इसका एक ट्रेनिंग सेंटर है, सीआरपीएफ इसका एक जगह ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे भी मतलब सब जगह ये ड्यूटीज़ करती है दोस्तों। तो आपको जो को अगर कोई गाइड कर रहा है तो गलत कर रहा है। साथ में ड्यूटीज़ में से ये मेन ड्यूटी ये हो गई लाइन ऑर्डर ड्यूटी हो गई। लाइन ऑर्डर में आप नहीं समझोगे इसलिए मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि जो मतलब जो इलेक्शन के टाइम ड्यूटी या कोई नेता आता है तो उसकी रैली के लिए जो ड्यूटी करते हैं उस प्रकार से, तो लाइन ऑर्डर जैसे लाइन ऑर्डर का मतलब हो गया कि शांति स्थापित करने के लिए जो ड्यूटियाँ होती है वो सभी उसी में आ जाती है दोस्तों। ठीक है, जब कोई दंगा वामपंथी के इलाका या कोई भी नक्सलवाइड इलाका उसमें होता तो उस समय ये ड्यूटीज़ करते हैं। ठीक है, नक्सलवाइड के खिलाफ भी ड्यूटीज़ करते हैं देश में और शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की ड्यूटी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि केवल बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़े नहीं रहते, केवल वो एक ही ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अमरनाथ जैसी यात्रा जहाँ जाती है तो उनमें भी इनकी ड्यूटीज लगती है, मतलब देश में कोई भी काम हो उसमें सीआरपीएफ बीएसएफ की ड्यूटी आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको बीएसएफ मिली है या आप बीएसएफ में जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी फोर्स है, ऐसा मौका आप गंवाना नहीं। अगर कोई दोस्त अगर कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की ड्यूटी है कि भाई बस बॉर्डर पर खड़े रहो बंदूक लेके, ऐसा नहीं, एक ही टाइप की ड्यूटी नहीं, हर 3 साल बाद में ट्रांसफ़र होता है, ड्यूटी चेंज होती है, हर नया इलाके में ड्यूटी लगती है, 3 साल के बाद में इसमें ट्रांसफ़र होता है। इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो जैसे बाकी से भी है उसी प्रकार से, इसकी सैलरी आपको पता है 21,700 से कॉन्स्टेबल की सैलरी स्टार्ट होती है, अलाउंस रिस्क अलाउंस डीए एनचारी मिला के 40,000 के समथिंग आपकी पेमेंट बनती है ट्रेनिंग के बाद में। तो बहुत ही अच्छी फोर्स है, आप ज़रूर ज्वाइन करना, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इस प्रकार की ड्यूटी होती है, केवल बॉर्डर पे जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं वैसी नहीं होती दोस्तों। अब अगर बात करें हम सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ और बीएसएफ में जो सिमिलरिटी है वो एक तो बेसिक पे की सिमिलरिटी है, इनकी जो पे स्केल उसकी सिमिलरिटी है, इनमें जो एनपीएस सुविधा है उसकी सिमिलरिटी है, दोनों सीएपीएफ यानी होम मिनिस्टर के अंडरगत आते हैं दोनों, तो ये इनकी सिमिलरिटी है। ड्यूटी में भी कुछ इनमें सिमिलरिटी है, जैसे इलेक्शन ड्यूटी दोनों करते हैं, एनडीआरएफ में दोनों जाते हैं, एनएसजी कमांडो दोनों बनते हैं, एसपीजी कमांडो दोनों बनते हैं, कोबरा कमांडो केवल सीआरपीएफ बनती है। ठीक है, बाकी इनकी जो ड्यूटीज है इनकी, जैसे दोनों देश के आंतरिक विभाग को भी देखते हैं, केवल फ़र्क ये है कि जो सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये देश में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा लेती है और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा लेती है, इतना सा फ़र्क है दोस्तों। बाकी सीआरपीएफ, अब बात पूरी सीआरपीएफ पे बात करेंगे, सीआरपीएफ के बारे में आपने काफ़ी अफवाहें सुनते हैं कि सर सीआरपीएफ लड़कियों के लिए कैसी है या लड़कों के लिए कैसी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, दोनों के लिए सीआरपीएफ बेस्ट फोर्स है। अगर आपको सीआरपीएफ मिली है तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, या आप सीआरपीएफ में अगर जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी फोर्स है, इसमें कुछ भी कमियां नहीं है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। क्यों? क्योंकि इसकी जो ड्यूटी होती है आपको पता है कि आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मा लेती है, यानी देश के अंदर अंदर बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करती है सीआरपीएफ, अंदर ही आंतरिक रूप से ड्यूटी करती है, छत्तीसगढ़ हो गए इसमें नक्सलाइट के खिलाफ, श्रीनगर में आतंकवादियों के खिलाफ, या सभी स्टेट में जहाँ पे भी आप देखे हो सीआरपीएफ इलेक्शन ड्यूटीज में आपको मिली होगी, भीड़ नियंत्रण में आपको मिली, आपदा प्रबंधक के रूप में भी इसकी आरएएफ भी काम करती है, एनडीआरएफ भी काम करती है, साथ में अगर कोई बड़ी बड़ी रैलियों होगी वहाँ पर सिक्योरिटी, जैसे अंबानी परिवार वीआईपी ड्यूटी देते हैं, वीवीआईपी को जो सिक्योरिटी करते हैं उसमें इनकी ड्यूटीज़ होती है, वीआईपी इनकी बटालियन भी है, महिला बटालियन भी है, कोबरा बटालियन भी है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बटालियन है जो वीआईपी ड्यूटीज़ करते हैं जो केवल वीआईपी के प्रोटेक्शन में, इस प्रकार की वीआईपी बटालियन भी सीआरपीएफ में, और कोबरा बटालियन जो नक्सलाइट के खिलाफ काम करती है तो वो भी सीआरपीएफ की बटालियन है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स देश में जैसे आपदा प्रबंधक के रूप में भी काम करती है, और कहीं पे भी कोई अचानक कोई घटना होती है तो वहाँ पर वो पहुँचकर भीड़ नियंत्रण भी करती है, जैसे कहीं दंगा फसाद हो गया तो उसमें रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में आरएएफ के रूप में भी काम करती है, उसकी भी 10-12 बटालियन है, और वीआईपी प्रोटेक्शन मैंने बता दी। उसके अलावा जो सीआरपीएफ का काम है कि सभी देश में शांति बनाए रखना, जैसे नक्सलाइट के खिलाफ हो गया, आतंकवादियों के खिलाफ हो गया, वीआईपी प्रोटेक्शन हो गया, चाहे वो संसद भवन का हो, चाहे किसी वीआईपी पर्सन का हो, चाहे वीवीआईपी पर्सन का हो, उनको भी सीआरपीएफ प्रोटेक्शन देती है दोस्तों। तो इस प्रकार से संसद भवन को जैसे वीआईपी प्रोटेक्शन बीएसएफ भी देती है, बीएसएफ के इस प्रकार की सेम सिमिलरिटी है, इनका जो पे स्केल है वो दोनों का सेम है, जो रिस्क अलाउंस का जो स्केल है वो सभी फोर्स का अलग अलग है, सीआरपीएफ में हर अलग जगह अलग रिस्क अलाउंस है, बीएसएफ में हर अलग जगह अलग रिस्क अलाउंस का दोनों में डिफरेंस है। लड़कियों की दोनों में ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में अगर बात करें तो सीआरपीएफ में महिला बटालियन में लड़कियों की ड्यूटी होती है, ज़्यादातर हार्ड एरिया में ड्यूटी नहीं होती, ऑफ ड्यूटी नहीं करती। क्या लड़कियाँ महिला कमांडो बनती है, एनएसजी कमांडो बनती है? बिल्कुल बनती है, लड़कियाँ महिला कमांडो कोबरा कमांडो भी बनती है, एनएसजी कमांडो भी बनती है।
ठीक है, वो आपकी इच्छा से है। अगर आपके एनर्जी कमांडो बनना है तो उसके लिए 5 साल की सर्विस आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, फिर आप एनर्जी कमांडो बन सकते हैं। बिल्कुल लड़कियां एनर्जी कमांडो बनती है। कोबरा कमांडो ऐसा है कि आप अपनी स्वेच्छा से अगर नाम देकर अगर कोबरा कमांडो में ऑपरेशन करने जाओ तो जा सकते हो। बाकी लड़कियों को ऑपरेशन ड्यूटी में अभी तक फिलहाल किसी हार्ड एरिया में ड्यूटी के लिए नहीं भेजते हैं CRPF में। मतलब ड्यूटी तो करते हैं लेकिन ज़्यादा हार्ड एरिया में ड्यूटी नहीं करते हैं, जैसे कोबरा के साथ में या छत्तीसगढ़ में ऑपरेशनल ड्यूटियाँ लड़कियाँ नहीं करती हैं दोस्तों। बाकी जो ड्यूटी रहती है, जैसे श्रीनगर में भी लड़कियों की ड्यूटी रहती है, जम्मू में भी रहती है, दिल्ली में भी रहती है, हर एक स्टेट में, तो वो रहती है वहाँ ऑफिसों में, जहाँ ऑफिस सेंटर है या इस प्रकार का जो वार्ड होते हैं उनमें, या जिस ग्रुप सेंटर हो गया, चाहे BSF हो चाहे CRPF, ग्रुप सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर मतलब अंदर का ही काम हो, बाहर ऑफिस की ड्यूटी करने नहीं जाते। लेकिन आप मोर्चों में नाइट ड्यूटी बिल्कुल लगती है। कोई बोल रहा था मेरे से कि सर नाइट ड्यूटी लगती है, नहीं लगती, बिल्कुल नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसे गेट पर भी ड्यूटी लगती है, जहाँ पर आपका कैंप होता है उसकी गेट पर भी ड्यूटी लगती है, चाहे BSF हो चाहे, और BSF की लड़की हुई बॉर्डर पर भी ड्यूटी लगती है, ठीक है। बॉर्डर जो पाकिस्तान से या कहीं पे जो बॉर्डर सीमा लग रही है उससे बिल्कुल ड्यूटी लगती है। CRPF में भी लड़कियों की नाइट ड्यूटी बिल्कुल लगती है, इसमें कोई शक नहीं है कि नाइट ड्यूटी नहीं लगती, नाइट ड्यूटी लगती है, लेकिन मतलब कम रिस्क वाले इलाकों में लगती है, हाई रिस्क वाले इलाकों में नहीं लगती। तो अगर आप इस फोर्स में आ रहे हो तो कोई कमी नहीं है इस फोर्स में, आप बिल्कुल आइए, बहुत ही अच्छी फोर्स है। और आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा तो उसके नाम माने कि ये फोर्स है ऐसी फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। आपकी जॉब की दृष्टि से भी अच्छी फोर्स है, देश सेवा का आपको मौका मिल ही रहा है जॉब के साथ साथ, और कोई भी इस प्रकार की हरासमेंट आपको बोल रहे हैं, क्या पता कितनी हरासमेंट होगी, ट्रेनिंग में कितनी हरासमेंट होगी, बाद में ये जॉब में कितनी हरासमेंट, कोई हरासमेंट नहीं है। आज सब भी पढ़े लिखे लोग, आप भी पढ़े लिखे हो, कोई भी आपको हरास नहीं कर सकता, कोई भी पर्सनली रूप का ऑर्डर नहीं दे सकता आपको, किसी भी प्रकार का पर्सनली तौर पर ऑर्डर नहीं दे सकता। कमाइंड ऑर्डर जो फौज में चलते हैं, आपको कुछ लोगों ने बोला होगा कि फौज तो ऑर्डर पर फॉलो करती है, तो आपको भी ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जायज़ नाजायज़ ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती फोर्स में। ये मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि नाजायज़ ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई नाजायज़ ऑर्डर आपको दे सकता है, ऐसा कहीं कोई भी रूल नहीं है, केवल जायज़ ऑर्डर ही फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऐसा तो फिर कोई कुछ भी ऑर्डर दे देगा तो वो फॉलो थोड़ा ना किया जाता है, ठीक है। कुछ ऑर्डर आपको ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, आपकी ड्यूटी से संबंधित कुछ ऑर्डर होते हैं जो भी फॉलो करने पड़ते हैं। आपका पर्सनली तौर पर आपको कोई हरास नहीं कर सकता, ना ही आपके मानवाधिकारों जो अधिकार दिए हैं जीवन के उस पर कोई भी मतलब दबाव बना सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छी फोर्स है दोनों ही, इन फोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस जो डिफरेंस है मेन की BSF बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है और CRPF आंतरिक सुरक्षा देखता है। तो जो लड़कियों की इनमें ड्यूटी होती है, लड़कों की ड्यूटी तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ झारखंड यानी CRPF की सभी स्टेट में है, BSF की भी सभी स्टेट में, तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।